So children, now this is third video in which I am explaining you the life cycle of spinous plant. Okay, one of the gymnosperm. Yeah, in this complete paragraph here they have given the life cycle of gymnosperm, but they have not given it in points or in the form of flowchart. Even the pictures of life cycle are not there in NCERT. So that I am showing you the picture of life cycle of gymnosperm in other book, and I am sending you the flowchart also and picture also. Okay, but I am saying that you are to write it from here, but I am sending you picture and flowchart. Is that clear? Now I am closing this book, because in this what all terms are given, I am taking all these terms and complete life cycle in my lecture. So I am closing this. Okay, now come to here. First of all, see that this is one of the gymnosperm. Okay, in gymnosperm actually what happens, this is cycas plant, but we are taking here the life cycle of pinus. Ye pinus ka, and this is there in the sporophytic stage. Jo bol rahe hain dhyan se sunte jana, then I will show you in flow chart. This is sporophyte, matlab ye ek diploid stage hai. And in this it is a monoecious plant, matlab ki male and female, ye this is male reproductive part and this is female. As I told you when I was discussing the general characteristics of gymnosperm, ki in gymnosperm the flowers are present in the form of cones. So ye iske flower hi hai, but it is there in the form of cone. Ye male cone hai as they have written here, and this is female cone. Iski picture main aapko send kar rahi hu. Ye female cone hai. Now how do the reproduction takes place? Iska life cycle kaise operate होता है? तो अब हम वन बाय वन वी विल बी टेकिंग मेल कोन को पहले लेते हैं. तो दिस इज द लॉन्जिट्यूडनल सेक्शन ऑफ मेल कोन. इस मेल कोन में इस तरह से मेगा माइक्रोस्पोरेंजियम बनती हैं. दिस इज कॉल्ड एज माइक्रोस्पोरोफिल. ये पत्ती है. दिस इज कॉल्ड एज लीफ ओनली. तो इसमें ये माइक्रोस्पोरोफिल होती है जिसमें ये माइक्रोस्पोरेंजियम बनती है. दिस इज कॉल्ड एज माइक्रोस्पोरेंजिएट ऑल्सो, माइक्रोस्पोरेंजियम ऑल्सो, एंड दिस लीफ इज माइक्रोस्पोरोफिल. अब इस माइक्रोस्पोरेंजियम में माइक्रोस्पोर, ये माइक्रोस्पोरोफिल यानी जो लीफ है उसका स्ट्रक्चर अलग से दिखाया हुआ है, और ये भी उसी के डायग्राम में. इस ज्यादा डिटेल में आपको नहीं करना है, सिर्फ समझने के लिए मैं पिक्चर दिखा रही हूं. अब इस माइक्रोस्पोरेंजियम में इस तरह के माइक्रोस्पोर्स यानी विंग्ड, ये विंग वाले पोलन ग्रेन है, वेरी स्पेशल फीचर. तो दिस इज विंग्ड पोलन ग्रेन्स आर फॉर्म्ड इन दिस माइक्रोस्पोरेंजियम. तो ये इसका मेल गैमिट होता है जो मियोसिस से बनता है. अब आपने मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के अंदर मेल गैमिट यानी पोलन ग्रेन को बना दिया. नाउ वी आर कमिंग टू द फीमेल रिप्रोडक्टिव. ये जो फीमेल कोन है ये इसका एलएस है. दिस इज द लॉन्जिट्यूडनल सेक्शन ऑफ द फीमेल कोन. फीमेल कोन की जो ये लीफ होती है इनको मेगास्पोरोफिल बोलते हैं. इसके बेस में ओव्यूल्स होते हैं. आई एम शोइंग वन मोर डायग्राम, लुक एट हियर. ये एक एक मेगास्पोरोफिल अलग से करके दिखा रखी है जिसके बेस पर ये ओव्यूल्स होते हैं. दीज आर द ओव्यूल्स. ओके, अब इस ओव्यूल के अंदर क्या होता है बेटा, कि ये दीज ऑल आर ओव्यूल्स एट द बेस ऑफ मेगास्पोरोफिल. ये सब ओव्यूल्स बना रखे हैं. अब इन ये लेबलिंग भी दे रखी है इस ओव्यूल की. इस ओव्यूल के अंदर जो सेल्स होती हैं, पेरेन्काइमेटस सेल्स का मास है, विच इज नॉट शोन हियर. एंड दैट पेरेन्काइमेटस सेल मास जो होता है, दैट मास विल डेवलप इंटू, उसमें से एक सेल विल डेवलप इंटू मेगास्पोर. एंड दैट मेगास्पोर विल नाउ फॉर्म द डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट. अब फीमेल गैमेटोफाइट का जो डेवलपमेंट होगा, उस फीमेल गैमेटोफाइट के डेवलपमेंट में इस तरह से आर्किगोनियम बनेंगी. इस तरह की आर्किगोनियम ये जिम्नोस्पर्म की है. यही आर्किगोनियम मैंने आपको टेरिडोफाइट में दिखाई, ऐसी आर्किगोनियम मैंने आपको फ्यूनेरिया में भी दिखाई, और ये जिम्नोस्पर्म की आर्किगोनियम है. जो ओव्यूल का ये न्यूसेलस है, इस न्यूसेलस के अंदर ये आर्किगोनियम बनी है. इस आर्किगोनियम के अंदर यहाँ पर एग यानी कि फीमेल गैमिट होता है, और इसी को फीमेल गैमिटोफाइट कहते हैं. ओके, अब इतना स्ट्रक्चर बन गया. अब क्या होगा, ये जो ये सारे विंग्ड पोलन ग्रेन्स के ही डायग्राम बने हुए हैं, ये विंग्ड पोलन ग्रेन्स जो है वो अपनी माइक्रोस्पोरोफिल में से फ्री होगा,
और फ्री होके एयर के थ्रू ये पूरा ओव्यूल है, इस ओव्यूल के अंदर यहां से ये माइक्रोपाइल्स की ओपनिंग है, यहां पोलन ग्रेन आके फॉल करेगा, पॉलिनेशन की प्रोसेस होगी। तो अब इसमें पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन होगा और ये पोलन ट्यूब जैसे इन्होंने यहाँ दिखा रखी है, थ्रू दिस पोलन ट्यूब द मेल गैमिट विल ट्रांसफर एंड इट विल एंटर इनटू द आर्किगोनिया एंड इट विल फर्टिलाइज हियर टू फॉर्म द जायगोट। यहाँ पर इस ओव्यूल में जायगोट बनेगा। अब वापस बैक चले जाओ, ये ओव्यूल कहाँ थे, इस मेगास्पोरोफिल के बेस पर, और ये मेगास्पोरोफिल कहाँ थी, इस फीमेल कोन के बेस पर, और ये फीमेल कोन कौन सा है, यहाँ पर। तो यू कैन सी कि मेल, यहाँ पर ये मेल कोन है, इसमें पोलन ग्रेन बने एंड विद दी हेल्प ऑफ एयर दे हैव कम टू हियर। ये फीमेल कोन है, इसमें मेगास्पोरोफिल है, मेगास्पोरोफिल के बेस में ओव्यूल है, ओव्यूल में न्यूसेलस है, और न्यूसेलस में फीमेल गैमिटोफाइट है जिसमें आर्किगोनिया है और आर्किगोनिया में एग है। तो पोलन ग्रेन नाउ फर्टिलाइज द एग टू फॉर्म द जायगोट। यहीं पर फीमेल कोन्स में जायगोट बनेंगे, जितने भी पोलन ग्रेन जितने भी एग सेल को फर्टिलाइज करेंगे उतना। अब जायगोट जो है वो सीड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो नाउ एट द प्लेस ऑफ ओव्यूल, वहां पर क्या बन जाएगा, सीड। ओव्यूल जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सीड में, लेकिन यहाँ पर फ्रूट नहीं बनेगा, जायगोट एम्ब्रियो में कन्वर्ट होगा। तो एम्ब्रियो सीड के अंदर प्रेजेंट होगा। इस तरह से एक जिम्नोस्पर्म का लाइफ साइकिल कंप्लीट हो जाता है। ओके, नाउ आई विल शो यू द फ्लो चार्ट इन द नेक्स्ट वीडियो, फोर्थ वीडियो।